गौरम कर्णवतरम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भयम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटीश्वर निर्विघ्नं कुरु ओम श्री धन लक्ष्मी माताए नमः। ओम हे धनम लक्ष्मी माँ, अपने अपनी कृपा व दया से जिस प्रकार सभी की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री गजलक्ष्मी माँ, हे गजलक्ष्मी माँ, जिस प्रकार आपने अपनी कृपा व दया से सभी की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री धन्य लक्ष्मी माँ, हे धन्य लक्ष्मी माँ, अपने अपनी कृपा व दया से जिस प्रकार सभी की मनोकामनाएं पूर्ण की, वैसे ही हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री संतान लक्ष्मी माँ, हे संतान लक्ष्मी माँ, अपने अपनी कृपा व दया से जिस प्रकार सभी की मनोकामनाएं पूर्ण की, वैसे ही हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस संसार के प्रारंभ से ही देवी देवताओं ने अपने चमत्कारों से अपने भक्तों और श्रद्धालुओं का उद्धार किया है। ऐसे महिमा का वर्णन हमें अक्सर सुना है। माँ श्री वैभव लक्ष्मी जी की महिमा सी महिमा भी सर्व मनोकामना पूरी करने वाली अर्थात सुख सुख देने वाली है। जिस उनकी महिमा का वर्णन ध्यानपूर्वक सुने। एक बड़ा शहर था। इस शहर में न जाने कितने लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग जब इस शहर में आते थे तो अपने उनके पास कुछ भी तो नहीं होता था। उनकी एकमात्र यही इच्छा रहती थी कि उनको किसी तरह से भी दो समय की रोटी मिल जाए, मजदूरी करने, अपने बच्चों का पेट पाल ले, बस प्रभु के गुण गाए। वैसे तो देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। शुरू में वह यही सोचता है कि उसने दो समय की रोटी मिल जाए प्रभु से कि यही सबसे बड़ी कृपा होगी। इसी के लिए वह मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं तथा कथा सुनते हैं। और जब उन्हें दो समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन में कुछ विचार उठने लगते हैं, कैसे अपनी आय बढ़े, उनके पास धन हो, रहने के लिए बढ़िया मकान हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हों, सवारी के लिए कार हो या स्कूटर ही हो। रोटी मिलने के पश्चात उनकी लालसा बढ़ती जाती है। किसी ने ठीक ही कहा, भूख की एक सीमा है जिसे से खाना खाते पूरा कर लिया जाता है, परंतु लालसा की तो कोई सीमा नहीं। मानव जीवन की भी एक सीमा है। लाखों करोड़ों के सपने सुख शांति और मौज मस्ती की आशाओं की लालसा करने वाला इंसान यह भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु की ओर ले लिए जा रहा है। मानव जीवन इतना बड़ा कहाँ है जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ ला देते हैं। हम काम क्रोध लोभ मोह माया अहंकार में अंधे होकर उस प्रभु उस महाशक्ति को भी भूल जाते हैं जिसने इस संसार को जन्म दिया है, जो जीवन देता है और वही मृत्यु भी देता है। कलयुग में ऐसा ही तो होता है। पाप की परछाइयां लंबी और गहरी होने शुरू हो जाती हैं। धर्म व्यापार बन जाता है। अधर्मी खूब फूलने फलने लगते हैं। इस बड़े शहर में तो धर्म कर्म और अधर्म अधिक था। इसी शहर के एक मोहल्ले में मीरा और कृष्ण पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका छोटा सा घर था, यानी घर में नाम पर एक कमरा था। उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना, उसी में पीना, यही था बस घर। कृष्ण किसी मिल में नौकरी करता था। मीरा घर का सारा काम काज करती थी। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा व सजा रखा था कि मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती थी, घर की सफाई रखना तो कोई मीरा बहन से सीखे। यह बात मीरा भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे अधिक हैं। उसी के अड़ोस पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी भी थीं जिन भर एक दूसरे की शुक्रिया करती थी। दूसरों के घर में जाकर उनकी बुराइयां ढूंढना तो उनका सबसे पहला काम था। अपने घर की भले ही उनके कोई
खबर न, मगर मुझे मोहल्ले की खबर तो उनके पास यूं ही रहती थी जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम प्रभु ने उन्हें सौंप रखा हो। मीरा को उनकी यह बातें पसंद नहीं थी। पहले तो उसे घर के काम काज में ही समय नहीं मिलता था। दूसरा, पति ही सेवा करना उसका धर्म था। पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए ईश्वर की उपासना करती। हर मंगलवार को महावीर जी का व्रत अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए रखती। मोहल्ले की चुगलखोर औरतों को मीरा की अच्छी आदतें कैसे पसंद आ सकती थी। वे तो कहने लगी कि मीरा में बड़ी अकड़ है, जो किसी से बात करना पसंद नहीं करती। शायद इसलिए न किसी, वह बड़ी सुंदर है, उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है। उसे यह नहीं पता कि जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ सबसे मित्रता करते हैं, उनके साथ मिलकर बैठते हैं। यदि वह ही किसी के पास दुख सुख बांटने नहीं जाएगी तो कल उसको पास कौन आएगा। इन सब की बड़ी बहन मीना भजनी थी, जो पूरे मोहल्ले को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। बहन मीना भजनी ने अपनी ही एक कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर जाकर कीर्तन करती थी। मीरा को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी जो कीर्तन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियां करती हों। यही कारण था कि मीरा ने कह बार उनको टोकते हुए कह दिया था, देखो बहन मीना भजनी, वैसे तो अपना नाम ही भजनी, मैं अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि पूजा एवं कीर्तन करते समय किसी की चुगली मत किया करो। किसी की बुराई करने से अच्छा नहीं है। आप इस समय से प्रभु का नाम लें, इससे उसका जीवन भी सफल होगा, वह बुराई से भी बच जाओगे। मीरा की इतनी बात सुनते ही मीना भजनी को क्रोध आ गया। क्रोध के मारे उसके चेहरे पर का रंग लाल हो गया। वह कड़क कड़क कर बोली, ओ कल की छोकरी, क्या तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है। अभी शहर में आए 2 साल हुए हैं, गांव का गोबर हाथों से उतरा नहीं और हम शहर चलो वालों का अकल सिखाने लगी है। गवार कहीं की, देखो बहन मैं गवार हूँ, यह कुछ और प्रभु में पूरा विश्वास रखती हूँ। मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति टटोलिया देखो बहन मैं गवार हूँ कुछ और भी प्रभु की मैं पूरा विश्वास रखती हूँ। मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति टटोलियाँ चिमटे बजाने से नहीं होती, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से होती हैं। ईश्वर का यही सिद्धांत है। यदि शिक्षा है किसी का बुरा मत करो, मैं तो हर जीवात्मा में रहता हूँ, तुम मेरी तलाश में क्यों भटक रहे हो। यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझसे तलाश करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। इस बात को सुनकर मीरा भजनी और उनकी साथी सब मिलकर मीरा का मजाक उड़ाने लगी थी। मीरा जानती थी ये लोग पाप करने वाले हैं, इतनी पूजा को केवल ढोंग है, दिखावा है। इनके मन काले हैं, खोटे हैं, इनके अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं। इनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती है। ईश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट, छी 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 घिन होने लगी थी मीरा को इस सबसे। उसने अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, उन लोगों से दूर रहने लगी। उधर कृष्ण बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव में आया अधिक सीधा साधा कृष्ण शहर के साथियों में ऐसा फंसा कि उसे बुरी आदतों ने लग गई। शुरू शुरू में उसके अपने को भूत बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर ही आग लगी हो वह कब तक बच सकता था। एक मजदूर का वेतन ही इतना होता है। सारा महीना वेतन मेहनत करने पर जो उन्हें मिलता था उसे घर की 2 समय की रोटी ही चल सकती थी। मकान का किराया, दुकानदारी, कपड़े लत्ते, यह सब कुछ उस वेतन से ही तो चलता था। लेकिन जब इस वेतन में शराब पी जाए, चरस गांजा पी जाए, जुआ खेला जाए तो घर में कैसे चलेगा। मीरा बेचारी बहुत दुखी हो गई, अंदर ही अंदर घुलने लगी। पति को मना करती तो उल्टी उसे मार पड़ती, गलतियाँ सुनने को मिलती। घर में आकर यह इतना हो अल्लाह करते कि लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। मौका मौका मिला वह अंदर अंदर घुटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती रहती। इस प्रदेश में उसका कौन था जो उसे सहारा देता, वह तो अकेली पड़ गई थी। आज जाकर उसे प्रभु का ही
आसरा था। माँ दुर्गा ही उसे सहारा देगी। माँ लक्ष्मी तो उस घर से रूठ चुकी थी। किचन ने घर के बर्तन तक बेच डाले थे। इतने बड़े संकट में भी उसने प्रभु का विश्वास नहीं छोड़ा, माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन माँ उनके सारे संकट दूर करेगी। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं बचा था तो वह 2 दिन से भूखी थी। जिस दुकान से खाने पीने का सामान उधार मिलता था उसने उस लिए उधार देने से मना कर दिया, क्योंकि उसके पिछले पैसे रुपए दिए गए नहीं थे। इस युग में तो जिसके पास लक्ष्मी नहीं वह भूख खाई मर जाएगा। मीरा का लक्ष्मी के चित्र के आगे हाथ जोड़े बैठी रही थी। माँ उसकी आंखों से टपकते आंसू देख लिए थे, उसके हृदय के दुख जान लिए थे। राधा रोए जा रही थी, साथ ही वह माँ लक्ष्मी का पूजन भी कर रही थी। माँ लक्ष्मी उसे बच्चा लो मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, देखो मेरे घर की क्या हालत हो गई है, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी जी आप बैठी हैं, परंतु आपका दूसरा स्वरूप जो इस संसार में माया का है वह उस घर में नहीं है, उनके बिना जीवन नहीं है। माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, माँ शक्ति दो माँ, माँ लक्ष्मी कृपा करो, इस घर को बचा लो। माँ अब आप ही हो कि मेरा अंतिम आसरा हो, तुमने मुझे न बचाया तो मैं तुम्हारे चरणों में ही जान दे दूंगी। अब तो मेरा बहुत अंतिम निर्णय है, यह कहती हुई मीरा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे गिर गई। उसी समय घंटियाँ बजने लगी, शंख की आवाज़ें आने लगी। मीरा के उदास चेहरे पर अपने आप खुशी की लहर दौड़ गई। तभी उनके कानों में आवाज़ आई, बेटी मीरा तुम्हारी आराधना सफल हो गई है, तुमने इतने बड़े संकट में भी कुछ मुझ पर विश्वास रखा, विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा से मैं कमी नहीं आने दी, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा एक तो तुम पतिव्रता धर्म में पूरी उतरी, अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखी, दूसरा तुमने मुझ पर यह से विश्वास नहीं छोड़ा, यह सब तेरी अग्नि परीक्षा ही थी जिसमें तुम पूरी उतरी हो। हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हो गई हूँ। माँ आज पहली बार आपसे इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ। माँ मुझे धनवान बनने की कोई लालसा नहीं है, मुझ तो जीने के लिए धन की ज़रूरत है जिससे हम खाना खा सके। मेरा बिगड़े हुए पति को सुधार दो माँ, जाओ बेटी अपने को संभालो, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के द्वार खोल रही हूँ, उठो अपने घर के द्वार खोलो। मीरा के अंदर न जाने कहाँ से अनजानी शक्ति आ गई थी, वह माँ लक्ष्मी के चरणों में उठकर अपने घर में के द्वार की ओर गई तो सामने के ही एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़े पाया। बेटी मीरा जब जय माँ लक्ष्मी की बोलो, जय माँ लक्ष्मी, मीरा ने पूरे शक्ति से कहा। श्री सर्वेश्वरी अंतराय नमः। देख देखो बेटी, माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ, माँ के आशीर्वाद से यह 2 बोरियाँ आटा और साथ में दालें और घी यह सब खाने की सामग्री घर पहुँचाने के आदेश हुए हैं। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं, माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ महाराज, और आप से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे संकट से निकलने का उपाय भी बताइए। देखो बेटी, इस माया रूपी संसार में सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन की शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। माया लक्ष्मी जी को तिजोरियों में बंद रखने वाले पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन की शांति और घर गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहती हो तो लक्ष्मी माँ का व्रत करो। इस व्रत के करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, मुझे इस व्रत की विधि तो बता दो, मैं तो माँ की उपासना बचपन से ही कर रही हूँ पर व्रत की विधि मुझे नहीं पता। देखो बेटी, लक्ष्मी जी का वो बहुत सरल है, इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को कर लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, उसे हर प्रकार के सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से ही फल प्राप्त मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्ण नहीं करते उन्हें कोई फल नहीं मिलता, बल्कि वे अपने मन की शांति खो बैठते हैं। यदि पाखंडी और धोखेबाज यह कहते फिरते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस
व्रत हो गया, परंतु ऐसा है नहीं। कोई भी व्रत जब तक अपनी विधि अनुसार नहीं किया जाता, उसका फल शून्य ही तो मिलेगा। यह सब कुछ अपने आप घर निर्भर करता है कि वैसे घर में यदि सोना है तो व्रत रखकर उसकी अपना उपासना करें। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनने और बिल दिन भर माँ का पूजन करें। हर समय मुंह से यही शब्द निकले, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने आसन पर बैठे और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखकर उनके आगे चावलों की ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने के जेवर रखें, यदि सोने के जेवर ना हो तो चांदी के जेवर रखें। माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के सुर्ख सुर्ख फूल अर्पण करके धूप के साथ देसी घी की ज्योति जलाएं। वैसे तो लक्ष्मी के अनुरूप हैं, परंतु इस सब की नींव श्री यंत्र है, जिन्होंने माँ के भक्त श्री यंत्र के दर्शन कर लिए, समझ लो उन्होंने माँ के हर रूप के दर्शन कर लिए। इसलिए माँ पूजन के समय श्री यंत्र को मत भूलें। सबसे पहले प्लेट में रखे जेवर को हल्दी का टीका लगाकर 5 बार बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। हमारी खाली झोली भर दो माँ, हमारी खाली झोली भर दो माँ। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भून कर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले के टुकड़े काटे हों, माँ लक्ष्मी की आरती करके उस प्रसाद को लोगों में बांट दें। बांटते समय भी आपके मुंह जुबान पर जय लक्ष्मी माँ की ही जरूर चाहिए। यह व्रत निरंतर 21 या 51 रखे जा सकते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके जब प्रसाद बांट ले तो आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे पड़े चावलों को पक्षियों में डाल दें। व्रत रखने वाले हर भक्त के लिए यह जरूरी है कि वह श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा का पाठ करे और लोगों को भी सुनाए, इससे और अधिक पुण्य मिलता है। यह सारे व्रत जब विधि पूरे हो जाए तो उसके फलस्वरूप प्राणी की हर इच्छा पूरी हो जाती है। माँ लक्ष्मी स्वयं का कल्याण करती है, उनके घर में सुख ही सुख मिलते हैं। धन तो आप तो आता ही है, पर जिसके घर में संतान हो उनके लिए यह वह व्रत वरदान के कम नहीं। जब व्रत संपूर्ण हो रहे हो, अर्थात 51वां व्रत जब रखें, तो उस दिन 7 छोटी बच्चियों को घर पर बुलाकर उन्हें उनका मनपसंद भोजन खिलाएं। फिर कन्या को चांदी या अथवा गिल्ट का एक का सिक्का 1 रुपये का दक्षिणा में दें। उसी दिन माँ लक्ष्मी की श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 101 या 51 प्रतियां माँ के भक्तों को अपने हाथों से बांटें। यदि इतनी प्रतियां शक्ति न हो तो 11 तो अवश्य बांटनी चाहिए। माँ की प्रतिमा के आगे बैठकर दोनों हाथ जोड़कर उनके प्रार्थना करते हुए कहें, हे माँ लक्ष्मी, आपकी और प्रभु की कृपा से मैंने आपके व्रत विधिपूर्ण पूरे कर लिए हैं, इसलिए मैं हे माँ आप अपनी इच्छा से पूरी करो, हमारी मनोकामना पूरी कर दो। माँ हमें सदा सुखी रखना, हमारे परिवार को सुख देना। माँ बस बेटी है प्राणी के लिए कल्याण का मार्ग है। तुम भी श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करो, तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा और तुम्हें भी धन मिलेगा, तुम सदा कष्ट मुक्त रहोगी। यह कहते हुए पुजारी जी तो चले गए। मीरा ने आटे की बोरियां पड़ोसी की सहायता से अंदर रखा दी, दालों को भी अंदर रखा। माँ लक्ष्मी की उपासना तो कर ही रही थी, परंतु विधि अनुसार नष्ट नहीं कर पाती थी। आज माँ लक्ष्मी ने उनका हालात देखकर जो उस पर सहायता की है उसे वैसे भूल सकेगी सहायता। उसे ध्यान आया, कल ही शुक्रवार है, मैं कल ही से ही माँ लक्ष्मी जी के 21 व्रत आरम्भ करूँगी। दूसरे ही दिन से मीरा ने शुक्रवार की व्रत कथा आरंभ कर दी और साथ ही माँ का व्रत रखा। सारा दिन माँ की आरती करती रही। फिर उसने रात्रि के समय श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करके घर आए, पति के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया तो उसके पति ने उसे प्यार से सीने से लगाकर कहा, मेरी मीरा, तुम तो सचमुच देवी ही लग रही हो। मैं ही पापी था जो आज तक देवता न बनकर राक्षस बना रहा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। आज मैं लक्ष्मी के चरणों में बैठकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा, न कभी जुआ खेलूँगा, ना ही गंदे और बुरे लोगों की संगत में बैठूँगा। मैं कभी
दुख नहीं दूंगा। मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए तो मुझे संसार के खजाने मिल गए। आज मैं इतनी खुश हूँ, माँ ने मेरा उजड़ा घर बसा दिया, मेरा सुहाग मुझे मिल गया। अब मैं 21 व्रत पूर्ण करके श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 51 प्रतियां लक्ष्मी भक्तों में बांटूंगी ताकि उनका भी मेरी ही भक्ति कल्याण हो जाए। कृष्ण ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ कर उसे चूमते हुए कहा, देखो मीरा, जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप के संसार से निकाल दिया है, मैं भी उनके 21 व्रत रखूँगा, सदा घर में अपनी उनकी पूजा करूँगा। मीरा ने अपने पति के चरणों में अपना सिर रखते हुए कहा, मेरे देवता, आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, माँ लक्ष्मी की कृपा से मुझे आज एक नया जीवन मिल गया। तो खड़ी हो गई लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरे विष्णु विधाता, माणे रुद्राणि कमला तू ही है जग माता, सूर्य चंद्रमा धाव रज शारद सिद्धि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको धावत रिद्धि सिद्धि पाता, लक्ष्मी माता तू ही है पाताल वासिनी, तू ही है शुभ दाता, जय लक्ष्मी माता, कर्म प्रभाव प्रसांग संग निधि के त्राता, ओम जय लक्ष्मी माता, कर धारो वासताई में गुण आता, कर के कोई न करने मने घबराता, जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ होवे वस्त्र न कोई पाता, पान का वैभव तुम बिन नहीं आता, ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण सुंदर सुमुख निधि जाता, रतन चतुर दिशतो को कोई नहीं पाता, ओम जय लक्ष्मी माता, श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई गात, मंगति उपजे पाप उतर जाता, ओम जय लक्ष्मी माता, सिर हर चरित्र शुभ कर्मे कर्म लाता, राम प्रताप मैया की शुभ दृष्टि चाहता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, ओम लक्ष्मी आय नमो, श्री लक्ष्मी नमो, श्री मित्राय नमो।